रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 2.5 साल से अधिक का समय हो गया है। लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों में कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। रूस लगातार अपने हथियारों के जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है। रूस ने अपनी नौसेना में आधिकारिक तौर पर RSM-56 बुलावा न्यूक्लियर मिसाइल तैनात कर दिया है। यह रूस की सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे सबमरीन क्रूजर यूरी डोलगोर्की में लगाया गया है। रूस ने अपने 7 पनडुब्बियों में इस मिसाइल को तैनात किया है। पांच पनडुब्बियां रूस की पैसिफिक फ्लीट में हैं और 2 नॉर्दर्न फ्लीट में शामिल की गई हैं। अगले दशक की शुरुआत तक बोरेई क्लास सबमरीन में भी इन्हें तैनात कर दिया गया है। तब कुल मिलाकर 12 पनडुब्बियों में यह मिसाइल लग जाएगी। क्या है RSM-56 बुलावा की खासियत? बुलावा मिसाइल 3 स्टेज की है और ये सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ये करीब 48 फीट लंबी है और वॉरहेड लगाने के बाद इसकी लंबाई 40 फीट हो जाती है। इसमें 6 से 10 MIRV हथियार लगा सकते हैं। इस पर 100 से 150 किलो टन के एटम बम लगा सकते हैं। इस मिसाइल की रेंज 8,300 से लेकर 15,000 किलोमीटर बताई जा रही है। ये मिसाइल बेहद खतरनाक बताई जाती है। अगर इसे रूस अपनी सीमाओं से दागे तो दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है।